अगर आप भी कॉलेज स्कूल या ऐसी जॉब पर हो जिससे आप अपना स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते हो तो इसका सॉल्यूशन लेकर आज आया हूँ इस वीडियो में। तो मेरा नाम है श्रीकांत कांबड़े और मैं बनाता हूँ लाइफस्टाइल एंड ग्रूमिंग रिलेटेड वीडियो। कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होते अगर तुम ध्यान रखते हो या लाइफ में स्मार्टली थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हो ना तो आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं और आपको दूसरों से भी थोड़ा सा स्टाइलिश एंड बेटर दिखाता है। तो चलो जल्द से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है और आपको डेली अच्छा और स्टाइलिश दिखना है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो। फर्स्ट बात करते हैं कुछ ऐसी एक्सेसरी जो आपको महंगी लेनी चाहिए बट वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि होता है वॉच। मेरे ख्याल से आपको एक अच्छी वॉच पर इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए क्योंकि वॉच आप हर जगह पहन के जा सकते हो। पार्टी रहे, मैरिज रहे, ऑफिस रहे, स्कूल रहा, कॉलेज रहा, आप सभी जगह वॉच पहन सकते हो बट एक कंडीशन पर, आपको मेटल की वॉच लेनी है। हो सके तो 1000 तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 1000 तक एक अच्छी वॉच ले लो बेटर ऑप्शन रहता है, ना कि बार बार 200 वाली वॉच लो। और 200 वाली वॉच एक महीने से ज़्यादा नहीं टिकती, उसका लुक भी खराब जाता है और थोड़ा टाइम आने के बाद वो भी बंद पड़ जाती है। नेक्स्ट वन इज बेल्ट। बेल्ट भी आपको एक अच्छा लेदर का बेल्ट लेना चाहिए क्योंकि अगर आप अच्छा लेदर का बेल्ट नहीं लेते तो कुछ टाइम बाद तो वो कुछ इस तरह दिखता है। तो इसमें भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि सेम बेल्ट भी आपको बहुत जगह पर या डेली रूटीन में काम आता है। नेक्स्ट वन आता है शूज। यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि शूज भी आप एक अच्छी क्वालिटी का लो, चाहे वो कैजुअल ले रहे हो या फॉर्मल ले रहे हो, बट एक अच्छी क्वालिटी का शूज लो कि वो सालों तक टिका रहे। ये कुछ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक्सेसरीज है जो आपको लेनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों को बार बार लोगे ना तो उससे ज़्यादा खर्च होगा, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप ये सब ले लो। सेकंड वन होता है कि सिंपली लुक स्टाइल। या सिंपली लुक स्टाइल मतलब ना आपको ज़्यादा कलरफुल कपड़े लेने हैं, ना ज़्यादा ब्राइट कपड़े लेने हैं, ना ज़्यादा ब्रांडेड के कपड़े लेने हैं, ना ही ज़्यादा कुछ फैंसी सा लेना है, बस सिंपल स्टाइल रखो। आप इन दोनों पिक्चर्स में देखो कि कौन स्टाइलिश लगता है क्योंकि इसने ना ज़्यादा ब्राइट कलर के पहने हैं, ना ही ज़्यादा कुछ लोगो वाला पहना है, ना कि कोई ब्रांड वाला, बस सिंपल कपड़ा पहन के उसको स्टाइल किया है। जैसे कि अच्छे से फिटिंग की है, न्यूट्रल कलर्स पहने हैं और जो अपनी फिजिक है उसको भी मेंटेन करके रखा है ताकि जो भी वो कपड़े पहने वो उसको अच्छे से आ सके। ज़्यादा महंगे कपड़े लेने के बजाय आप सिंपल ड्रेस लेके भी ज़्यादा स्टाइलिश दिख सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई टी शर्ट लेने जा रहे हो ना तो सब प्लेन एंड न्यूट्रल कलर का लो, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कोई पैंट लेने जा रहे हो सेम न्यूट्रल कलर्स का लो और सिंपल लो। मैंने बहुत से लड़कों को देखा है वो कपड़े तो ले लेते हैं बट ठीक से नहीं रखते, ना उसको अच्छे से प्रेस करते हैं, ना वॉश करते हैं, ना अच्छे से रखते, बस निकाल के फेंक देते, फिर वही कपड़े खराब हो जाते। तो वैसा बिल्कुल आपको करना नहीं। जब भी आप अपने कपड़े लो तो उसका अच्छे से ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि शूज भी ले रहे हो ना तो अच्छे से क्लीन रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। आपको आपकी सभी एक्सेसरीज एंड कपड़ों का अच्छे से ध्यान रखना है ताकि जब भी आप बाहर जाओ ना तो आपको एक फ्रेश लुक दिखे। जो आप कपड़े पहन रहे हो या शूज पहन रहे हो या कोई भी एक्सेसरीज पहन रहे हो ना तो वो नया दिखे। तो आपका शूज का अच्छे से वॉश करना है, कपड़े को अच्छे से वॉश करके आयरन करना है, जो भी आपके एक्सेसरीज है उसको अच्छे से रखना है, ये सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। यानी ग्रूमिंग, मेन ग्रूमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखो आप कुछ भी पहन लो बट आपका ग्रूमिंग अच्छा नहीं है ना तो पूरा अटायर आपके ऊपर डल लगेगा। तो ग्रूमिंग में आपको कुछ सिंपल सी चीज़ें समझनी है, हेयर स्टाइल, थोड़ा सा स्किन रूटीन, आपके नेल्स, आपके जो फेशियल हेयर है एक्स्ट्रा उसको निकालना है और आपको बात अच्छे से करना है। बस आप इन सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखोगे ना तो बहुत से लोगों से आप ज़्यादा अच्छे दिखते हो।
और ग्रूमिंग के लिए मेन ग्रूमिंग के लिए ज्यादा खर्चा तो लगता नहीं है। नेक्स्ट वन आता है शॉपिंग। देखो बहुत से शहरों में ऐसा एक बाजार रहता है ना जहाँ पर कपड़े सस्ते मिलते हैं, हमारे यहाँ पर भी एक ऐसा बाजार है जहाँ पर कपड़े सस्ते मिलते हैं, तो वैसी जगह पर आपको जाके खरीदी करनी, बट थोड़ा सा स्मार्टली खरीदी करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए खरीद रहे हो, कौन से प्रोग्राम के लिए खरीद रहे हो, या आपको डेली लाइफ में यूज आ रहा है कि नहीं। ऐसे स्मार्टली आपको क्लॉथ खरीदने हैं, ना कि बस उठा लिया कोई भी। लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर कॉन्फिडेंस। यस, कॉन्फिडेंस एंड बॉडी पोस्चर बहुत डिपेंड करता है कि कैसे आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हो। अगर आप कॉन्फिडेंसली खड़े नहीं रहे और आपका पोस्चर भी कुछ इस तरह रहा ना, तो आप अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन रखते हो, तो हो सके जब भी आप बाहर जाओ तो आपको आपका बॉडी पोस्चर ठीक करके जाना है। हो सके तो डेली जिम जाओ, इससे आपका बॉडी पोस्चर बहुत हद तक इम्प्रूव होता है। अगर आप इस पार्ट तक आए हो तो प्लीज मुझे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपके लिए लास्ट हो। धन्यवाद।